मैनपुरी में पुलिस के हाथ अवैध अन्य प्रांत से तस्करी करके लाई जा रही शराब का जखीरा हाथ लगा है। पुलिस ने एक अपराधी को हिरासत में ले लिया है जो शराब की तस्करी कर रहा था। आज पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने यह जानकारी मीडिया से साझा की है। दरअसल मैनपुरी पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब हरियाणा से अंग्रेजी शराब तस्करी के लिए मैनपुरी ले जाई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना एलआईयू क्षेत्र में एक बड़ा टैंकर के अंदर भारी मात्रा में अवैध रूप से अन्य प्रांतीय अंग्रेजी शराब भरी है। पुलिस ने जब बताई गई जगह पर तलाशी की तो उन्हें उक्त ट्रक में मेरापुर गुजराती पुल के पास ट्रक में दीपा राम पुत्र जय किशन निवासी मड़की थाना धोरी मन्ना जिला बाढ़ में राजस्थान बैठा मिला। तलाशी के दौरान 340 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है। इस शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। जानते हैं चुनाव के दृष्टिगत हमारी जनपद की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान बैरियर्स लगाकर हो रहा है। साथ में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड और साथ में SST की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। इसी क्रम में थाना एलआईयू और सर्विलांस की हमारी जो टीम थी ये ऐसी गोपनीय सूचना के आधार पर कुछ नंबर जो सर्विलांस पर थे उस आधार पर ये एक गुजरात नंबर की ट्रक जो कि अंग्रेजी शराब ये लाद करके जनपद सीमा में प्रवेश कर रही थी। ऐसी संभावना थी कि ये बिक्री के लिए चुनावों में प्रभावित करने के लिए थी। इसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा इसको ट्रैप किया गया और इसमें लगभग 340 पेटी अंग्रेजी शराब जो हरियाणा से स्मगल होकर के आ रही थी और इसको फिर हम लोगों ने आज चालक को अरेस्ट किया है। दीपा नाम का एक चालक है जो कि राजस्थान का रहने वाला है और इसका ट्रक का मालिक एक गुजरात का है। शेष इसकी लिंकेज का पता किया जा रहा है और शीघ्र ही हम लोग पूरे इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को बर्स्ट करेंगे। पूरी टीम के द्वारा लगभग 4,000 लीटर से ऊपर की शराब है, अंग्रेजी शराब है, तो पूरी टीम जो उसने एक अच्छा वर्क किया है उसको हम लोग 25,000 कैश रिवार्ड घोषित करेंगे। कुल कितनी कीमत की होगी सर? इस शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपये बाजार में कीमत है।